हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसा एंड सवन वांग। गाइस, अगर आज भी बैकग्राउंड में नॉइस आएगा तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब पे मैं रोकथाम नहीं लगा सकती। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो मिस्टर वे एंड मिसेस वे के नेक्स्ट पार्ट 13 को। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे क्यूट से सैन वांग के बीच में, उनके रोमांस के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया था। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिरकार ये कौन है। सो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे इंडू आता, विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी उस केविन का डोर धड़ाम से नहीं खुलता है और एक लड़की जो कि स्माइल के साथ अंदर आ रही थी, लेकिन वो इस नज़ारे को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चिल्ला के बोलती है, वे वो शान, ये तुम क्या कर रहे हो। तो मतलब वो दोनों का जो कि इतना रोमांस के टाइप से, मतलब लव भरा किस कर रहे थे, जो थोड़ा सा उसमें दखल अंदाजी देते हुए ये लड़की ने इतना चिल्ला के बोल दिया, तो वो दोनों ही अपना किस को ब्रेक करके पीछे मुड़ के देखते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसे देख के विंग सॉफ्ट हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है, और वांग जी जो कि थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा होता है विंग के गोद से, मतलब उसके लैप में बैठा था ना वांग जी, तो उसके गोद से खड़ा होता है और वो पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बिना नॉक किए हुए किसी के भी केविन में इसी तरीके से घुस जाती हो। तो वो लड़की ना पास आती है, पास आने के बाद वांग जी को विंग से दूर ढकेल देती है और बोलती तुम दूर रहो इससे, समझ में आया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, एक उस फिर उसके बाद नीचे से लेके ऊपर तक उसको देखती है और फिर बोलती एक एम्प्लॉय हो करके मेरे फियोंसे पर तुम बुरी नज़र डालोगी, ऐसे करके बोलती है। और फिर उसको मतलब 2-4 गालियाँ भी देती है वांग जी को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और इस सबसे भी ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि विंग कुछ नहीं बोल रहा है। फिर वांग जी सह नहीं पाता है, ऑब्वियसली वो क्यों सहेगा, वो उसके ही हस्बैंड से उसको दूर कर रही है, साथ ही साथ वो खुद का फियांसे क्लेम कर रही है विंग को, इसलिए वो गुस्से में एक चपड़ा खींच के लगाता है उसके गाल पे। और फिर उसका जो फेस है ना, मतलब वो लिप्स का एरिया जो है उसे ग्रैब करते हुए बोलती, मतलब वांग जी बोलता है अपने हद में रहो, समझ में आया, तुम किससे बात कर रही हो और किससे बोल रही हो, तुम ये जान के तब बोला करो, बेफालतू का अगर इस तरीके से किसी के बीच में, किसी भी कपल के बीच में आके ऐसे बोलोगी। और दूसरी बात, किसी के हस्बैंड को तुम अपना फियांसे क्लेम करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा, समझ में आया। तो वो लड़की ना सॉक्ट हो जाती है और फिर वो उसका हाथ झटकते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, हाँ, और खबरदार जो तुम विंग के पास गए, तुम जैसे ओमेगास यही करते हो ना, किसी भी अमीर अल्फा को देखे नहीं कि बस डोरे डालना स्टार्ट। ये सुन के ना वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने जा रहा था कि तभी विंग बोलता है, लूसी ये क्या कर रही हो तुम। तो वो लड़की जिसका नाम है लूसी, वो पीछे मुड़ती है और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे किसी भी ओमेगा को ऐसे खुद को किस करने दोगे, और तुम भी उसे किस कर रहे थे, हाँ मुझे पता है विंग, पक्का इसी ओमेगा ने तुम्हें बहलाया फुसलाया होगा ना, मुझे पता है, ऐसे ओमेगास को ना यही काम होता है, दूसरे के अल्फाज पे डोरे डालना और उनको फंसाना अपने प्यार की झाल में। अब विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यहाँ तक कि वांग जी का तो गुस्सा एकदम सर पे चढ़ गया था, उसका बस्तर है तो अभी उसको मतलब मार ही डाले। तभी विंग बोलता है, लूसी ये कोई एरा गेरा ओमेगा नहीं है, ये मेरा ओमेगा है, मेरा हस्बैंड है, मेरी से शादी हो गई है। ये सुन के ना लूसी बोलती, क्या
तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम भूल गए क्या? मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, आई मीन फियांसे हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोलता है गार्ड। तो गार्ड वहाँ पे आते, यहाँ तक कि विंग और वांग जी का सिक्योरिटी भी आता है। फिर वांग जी चिल्ला के बोलता है तुम लोग इस लड़की को अंदर आने कैसे दिए? तो वो गार्ड बोलते कि सर मैंने बहुत रोकने की कोशिश की बट ये अंदर आते जा रही थी, ज़बरदस्ती कर रही थी। तो फिर वांग जी ने कहा और तुमने इसे ज़बरदस्ती करने दिया? हाँ, अगर अभी इसी वक्त ये इस केविन से बाहर नहीं निकली ना तो मैं तुम सबको जॉब से निकाल दूँगा। तो बैकग्राउंड नॉइज को मत ध्यान देना फ्रेंड्स प्लीज़, मैंने पहले ही बोल दिया है। हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी, ओके? तो वो गार्ड ना थोड़ा डर जाते हैं कि वांग जी कैसे गुस्से में बोल रहा है, क्या सच में उसका जॉब से निकाल देंगे। तो रूसी ना वांग जी का अपने तरफ मोड़ते हुए बोलती है यू स्लट ओमेगा, सॉरी गाइस मुझसे गाड़ी निकल रहा है, मतलब इसी तरीके से वो गाली देती है और फिर उसको बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरीके से मुझे इस केबिन से निकालोगे? हाँ, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं वांग लूसी हूँ, वांग लूसी, वांग फैमिली की बड़ी डॉटर हूँ मैं और इकलौती भी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे निकालोगी इस जगह से? मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यू चुटकी मैं तुम्हें यहाँ से निकालवा सकता हूँ। विंग ये सारी बातों को सुनकर ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और वांग जी तो एकदम गुस्से में लाल पीला हो रहा था और गुस्से में विंग की तरफ देखते हैं और विंग की ना नज़र नीचे झुक जाती है और फिर वो लूसी को बोलते हैं लूसी तुम जाओ यहाँ से। तो लूसी ना विंग की तरफ देखती है और बोलती विंग तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो ना ये सब चीज़ के लिए। देखो माना कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी बट प्लीज़ मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो विंग बोलता है लूसी मैंने कहा तुम जा यहाँ से, ऐसा बोल के फिर वो अपने सेक्रेटरी की तरफ घूर के देखता है। तो उसका सेक्रेटरी ना लूसी के पास आता है और बोलता है मैम प्लीज़ चलिए वरना हमें ज़बरदस्ती करना होगा। तो लूसी ना गुस्सा आ जाती है और बोलती है विंग अब तुम आओगे मेरे पास खुद, ऐसा बोल के ना उसे वार्निंग दे के वहाँ से वो चली जाती है। विंग का इस पूरे टाइम सर नीचे ही था और वो बहुत ज़्यादा उसे ना अजीब फील हो रहा था। दरवांजी जो कि घूर घूर के विंग को देख रहा था और विंग को पता है कि वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा है, उसे अच्छे से पता है। तो वो ना वो मतलब हकलाते हुए बोलता है लानसान, ऐसा बोल के वो उसे देखता है। देखते ही वो डर जाता है क्योंकि वांग जी सच में बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और फिर वांग जी बोलते हैं तुम घर चलो तो मैं बताता हूँ, ऐसा बोल के उस वो प्राइवेट लिफ्ट जो ना वहाँ पहुँच जाता है और विंग भी उसके पीछे पीछे जाता है अपने व्हीलचेयर से और वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अब वो वांग जी को देख रहा था बट वांग जी एक बार भी मुड़ के नहीं देखता है। वो लोग नीचे जाते हैं पार्किंग एरिया में जाते हैं, वहाँ से जाके अपने कार में बैठते हैं और वो वापस घर आ जाते हैं। एक बार भी वांग जी विंग की तरफ नहीं देखते हैं और विंग वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था कि ये क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। अब हम इस तरफ घर का सीन देखते, घर पे कोई भी नहीं था, ना ही सिचेन थे, ना ही नीहो सेन था, ना ही वनिंग था, क्योंकि विंग और वांग जी तो डायरेक्ट ऑफिस से ही आए थे ना। तो वनिंग और नीहो सेन को नहीं पता था कि विंग और वांग जी अब नहीं है ऑफिस में और ना ही जियांग चेन था, कोई भी नहीं था। तो जो विंग और वांग जी है ना वो घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद वो मतलब वांग जी जाके एक सोफे पे बैठ जाते हैं गुस्से में और फिर विंग आता है वहाँ पे और वो बोलता है लानजा मेरी बात सुनो प्लीज़ लानजान मेरी पहले पूरी बात सुन लो वांग जी। तो विंग वांग जी बोलता है मैं वही सुनना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन चाहिए
कि ये क्या था। तो फिर विंग बोलता है एक्चुअली हाँ वो मेरी फियांसे थी। ये सुन के वांग जी एक आईब्रो ऊपर करता है और बोलता है तो फिर मैं कौन हूँ। तो विंग बोलता है ऑब्वियसली तुम मेरे वाइफ हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, हमने शादी किया है। तो फिर वांग जी बोलता है तो फिर वो कौन है। तो फिर विंग फिर से बोलता है वो मेरी फियांसे थी, अब नहीं है, अब नहीं है, अब तुम मेरे वाइफ हो। तो ऐसा बोल के ना वो वांग जी के पास आता है। तो वांग जी बोलता है अब तुम मुझे सही से बताओगे या फिर तुम मुझे कंफ्यूज करोगे। तो फिर विंग एक सैक करता है और फिर बोलता है मेरे मॉम डैड और हम वांग फैमिली दोनों ही फ्रेंड्स थे। मेरी मॉम की फ्रेंड मिसेस वांग थी और मेरे डैड के फ्रेंड मिस्टर वांग थे। वो दोनों ही फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, तो इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग कोलेब्रेशन करेंगे अपनी कंपनी का। साथ ही साथ उनकी बेटी, इकलौती बेटी वांग लूसी की शादी मेरे साथ करवाएंगे। ये डिसाइड किया था मेरी फैमिली मेंबर ने, बट मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि मुझे वांग लूसी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं उसे बस इग्नोर ही करता था। जब मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया, साथ ही साथ मेरा पैर ख़राब हो गया, उससे कुछ दिन पहले ही लूसी चली गई थी एब्रॉड, वहाँ पे अपने बिजनेस को देखने के लिए वो चली गई थी हमें यहाँ छोड़ के। उसके कुछ दिनों बाद ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरे मॉम डैड नहीं रहे, और उसके बाद से मैंने लूसी को कभी देखा ही नहीं। और आज लूसी वापस आई है, ना ही मेरा मिस्टर वांग और मिसेस वांग से कभी बात हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर वो कोई हादसा था, पर मैं अपने मॉम डैड के गम में इतना डूबा था, साथ ही साथ मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस में था कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे लूसी के फैमिली के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने कुछ दिन बाद मैंने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, फिर मैंने अपनी कंपनी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, मैंने फिर अपनी हेल्थ को छोड़ के अपनी कंपनी पर ज़्यादा फोकस किया। ये सब सुन के वांग जी बोलते तो फिर वो अभी क्यों आई है, क्या उसे नहीं पता कि हमारी मैरिज हुई है। तो विंग बोलता है कि हमारे मैरिज की बात ये एक सीक्रेट ही है, क्योंकि मिस्टर लैन ने अचानक से ही कहा था कि उनकी बेटी के साथ मेरी से मैरिज करवाएंगे। मैंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं करना चाहता, पर शेयर होल्डर्स की जीत की वजह से मुझे मैरिज के लिए हाँ करना पड़ा, और जितने भी लोग थे उन लोगों ने ये सुना था कि मिस्टर लैन अपनी बेटी के साथ मेरी शादी करेंगे, लेकिन बाद में ये खबर फैल गई कि ये शादी अब नहीं हो रही, बट अचानक से ही मिस्टर लैन ने तुम्हारे साथ मेरी शादी करा दी। ये एक पूरी तरीके से मिस्टीरियस टाइप में ये शादी हुआ है। ज़्यादा लोगों को इस शादी के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डर्स उस शादी में नहीं आते, कुछ बड़े ही जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं वही सब, मतलब एजेंट जो हैं वही लोग आए थे हमारे मैरिज में, और ज़्यादा कोई लोग नहीं आया था। तो ये सुन के वांग जी फिर शांत होता है और फिर बोलता है अच्छा तो ये बात विंग भी हाँ में सर हिला देता है। फिर वांग जी बोलता है अगर अभी तो मैं माफ़ कर रहा हूँ, बट अगर दोबारा वो लड़की तुम्हारे आसपास दिखी ना तुम्हारी खैर नहीं, सुन लेना। तो विंग बोलता है सॉरी मुझे नहीं पता था कि वो अचानक से ऐसे रूम में आ जाएगी और हमें इस तरीके से। ये सुनते ही ना वांग जी का कान लाल हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे और उस लड़की ने पूरा मूड ही ख़राब कर दिया। तो विंग का भी मतलब कान लाल हो जाता है, तो वो बोलता है कि
मैं रूम में जा रहा हूँ। तो वांग जी बोलता है मैं डिनर की तैयारी करता हूँ, ऐसे बोल के वो चले जाते हैं अपने अपने काम में। अभी हम इस तरफ का सीन देखते हैं जियांग चैन का। जियांग चैन जो कि कॉलेज पे था और उसके कुछ दोस्त बोल रहे थे कि कुछ टाइम से कॉलेज के बाहर एक कार है और कार के अंदर एक लड़की जो कि हम लोग के कॉलेज पे नज़र रखी हुई है, दो तीन कार उसके साथ है। वो लड़की को हम लोग कितने दिन से देख रहे हैं, वो हम लोग का पीछा क्यों कर रही है? तो जियांग चैन बोलता है अपने दोस्त को मुझे नहीं पता क्या बात है, वो लड़की से मेरे को बात एक बार करना पड़ेगा, कहीं वो लैंसी तो नहीं ना, देखना पड़ेगा मुझे। जियांग चैन अपने मन में ये बात सोचता है। फिर वो अपने दोस्तों को बोलता है एक काम करते हैं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम लोग जाएंगे उससे बात करेंगे, ठीक है? तो वो सब भी हाँ बोल देते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं और जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है वो लोग वहाँ से निकलते हैं और तब देखते हैं कि वहाँ पे वो मतलब कार, करीब 3 कार है वहाँ पे खड़ी है लाइन से ब्लैक कलर की। तो वांग जी मतलब जियांग चैन जाता है उस तरफ और वो उस मतलब जो बीच में जो कार था ना उसका जो विंडो है ना उस पर नॉक करता है, तो वो विंडो नीचे होता है तो उसमें जैसा जियांग चैन ने सोचा था वही लड़की थी, लैंसी ही बैठी हुई थी। और लैंसी जब देखती है ना कि जियांग चैन उससे मिलना है, वो फटाफट कार से निकलती है और बोलती है जियांग चैन मुझे पता था तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए हो, मुझे पता था, चलो ना हम दोनों भी डेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कितना अच्छा रहेगा। तो जियांग चैन बोलते हैं हे हे ब्रेक लगाओ अपने सोच पर, किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ किसने कहा तुमसे, और हाँ तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना तुम कहाँ गई, तुम्हारा क्या नामो निशान है किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे मैं तुम्हें गायब करूँगा। तो लैंसी बोलती है जियांग चैन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाँ तुम भी तुम मुझसे प्यार। तो जियांग चैन बोलते हैं तुम दिमाग से पैदल इंसान हो क्या, मैंने अभी कहा ना तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर लैंसी बोलती है नहीं तुम्हें मुझसे ही प्यार करना होगा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे और देखना मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तो ना जियांग चैन बोलते तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझ में आया? दोबारा अगर मेरा पीछा की ना तो सच बता रहा हूँ तुम्हारा ऐसा बुरा हाल करूँगा ना कि तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, समझ में आया? तुम यहाँ से निकल जाओ, पतली गली पकड़ के निकल जाओ तुम। तो फिर जियांग चैन ये बोल के वो अपना उसका कार आ जाता है, तो वो कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। और चैन को ये सब बोल के जाते हुए देखना लैंसी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। अभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं डिनर का, वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे और सभी के माइंड में एक अलग अलग चीज़ चल रहा था। वांग जी के माइंड में चल रहा था कहीं ये लड़की हम दोनों के बीच में कुछ लड़ाई वड़ाई ना करवा दे और ये मेरे हस्बैंड को ना चुरा ले। इधर वीन उसके दिमाग में चल रहा था मुझे ना वांश लूसी से बात करना पड़ेगा एक बार, और इधर जियांग चैन अपने मन में सोच रहा था कुछ तो करना पड़ेगा इस लैंसी का, ऐसे नहीं काम चलने वाला। तो वो बोलता है कि मैं ना अपने कुछ आदमी को बोल के ना इस पर नज़र रखवाऊँगा, इस पर मुझे कुछ डाउट हो रहा है, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ करेगी ज़रूर ये लड़की। ये सब अपना मन में इतना ही खिचड़ी पका रहे थे और इधर जो सिचन है वो सबको देख रहे हैं और सबको नोटिस कर रहे कि कुछ तो इन लोग के दिमाग में चल रहा है। तो सिचन ना धड़ाम से एक बर्तन पड़कते हैं डाइनिंग टेबल पर जिससे सब लोग अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। और सिचन बोलते हैं
कहाँ है तुम लोगों का ध्यान? खाना खाते वक्त भी तुम लोग को कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है क्या? हाँ, तुम लोग शांति से डिनर भी नहीं कर सकते क्या? तुम लोग क्या क्या सोचते रहते हो? तुम लोग को समझ में भी है? तो वांग जी बोलते हैं, सॉरी ब्रदर, वो मैं कुछ ऑफिस ऑफिस से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट काम था, वो सोच रहा था। तो सीजन बोलते, अच्छा तो तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम अपने ब्रदर के साथ, तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा डिनर कर लो? हाँ, तुम्हारा दिमाग कितना ज़्यादा वो हो गया है, तो बिजी हो गया है? तो वांग जी बोलता, सॉरी सॉरी, ऐसा बोल के वो चुपचाप खाने लगता है। इधर वो विंग की तरफ घूर के देखते हैं सीजन, तो विंग भी एकदम नीचे मुंडी करके चुपचाप खाने लगता है खाना। तो जियांग चेन तो पहले से ही डर के मारे चुपचाप खा रहा था। सिचन बोलते, शांति से खाना खाओ, दोबारा मैंने देखा ना तुम लोग को कहीं और सोच में, तब तुम लोग को बताता हूँ मैं। नी हुसैन बोलते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता इस घर का मालिक कौन है। हाँ, ऐसा बोल के एक साय करके वो भी खाना खाने लगता है। और वेंडिंग बोलते हैं, चुप कर वरना तू पीटेगा। खाना खाने के थोड़ा सा देर हुआ था कि तभी वेंडिंग के फ़ोन पे एक कॉल आता है। जब वेंडिंग फ़ोन उठाता है तो वहाँ पे उसकी सिस्टर का कॉल था। उसकी सिस्टर से वो थोड़ा सा बात करता है, तो वो विंग से बोलता है कि विंग, मुझे ना मेरी सिस्टर के पास आना है, मेरी सिस्टर ने कुछ दिनों के लिए बुलाया है, उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ, कोई बात नहीं। तो वेनिंग बोलता है, ठीक है मैं कुछ दिनों के लिए जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा जल्द ही। तो विंग भी बोल देता है, ठीक है तुम जाओ कोई बात नहीं। तो वो चला जाता है वेन हाउस के लिए। जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वो जाके देखता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। वो वहाँ पे जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वेनिंग को पता चलता है कि यहाँ पे उसके शादी की बात हो रही है। ये सुन के वो एकदम स्टीफ हो जाता है कि क्या उसकी शादी, पर किससे? तो उसको पता चलता है कि उसके साथी जिन फैमिली के एक क्या बोलते हैं ओमेगा बेटा, जिन जू सन आई थिंक यही नाम है, उसके साथ हो रही है। तो वर्निंग बोलता है कि उसे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए, बिकॉज वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता है। तो उसके फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि ठीक है तुम टाइम ले लो, अगर तुम किसी ओमेगा को पसंद करते हो तो भी हमें बता देना, हम उसी के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो वर्निंग भी हाँ कर देता है। और फिर वो अपनी सिस्टर से मिलता है, अपने मदर फादर से मिलता है, अपने भाइयों से मिलता है, वेंचाओ से मिलता है, वेंसू से मिलता है, सबसे मिलता है। और फिर वो वहाँ पर एक दिन रुकता है, एक दिन रुकता है, फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो विंग के घर चला जाएगा। तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ऑफिस जाता है, वांग जी भी ऑफिस जाता है, सब लोग अपना काम कर रहे थे। वहाँ पे अच्छा खासा एक मीटिंग होता है, मीटिंग में सब लोग डिस्कस करते हैं कैसे क्या क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या क्या यूज़ करना है, हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग अच्छा खासा एक ही ऑफिस में बैठ के, एक ही कैबिन में बैठ के वर्क कर रहे थे। तभी विंग के ना फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, तो विंग चेक करता है तो उस पर एक एड्रेस मेंशन था। और फिर उसके बाद मैसेज आता है कि विंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तुम इस एड्रेस पे आ जाओ। ये किसी और का नहीं, वांग वांग लूसी का ही मैसेज था। तो विंग मन में सोचता है, वैसे भी मुझे भी बात करना था इससे, मैं चलता हूँ, मैं इससे बात ही कर लेता हूँ आज। फिर वो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी सुनो। तो वांग जी उसकी तरफ देखता है और हूँ करता है। तो वांग जी को वो देखते हुए विंग बोलता है कि मुझे ना एक मीटिंग है मेरी, तो
तो मैं जा रहा हूँ, तुम ये सब संभाल लेना। तो वांग जी बोलता है ठीक है मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ आराम से। ऐसा बोल के उसके पास आता है और उसके चिक्स पे किस करता है और बोलता है जल्दी आना ओके हस्बैंड। तो विंग भी हाँ कर देता है और उसके लिप्स पे एक पैक करता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इधर सीन देखते हैं वांग जी का। वांग जी जो कि अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया था कुछ ही देरी में, कुछ ही मिनट में सारा कंप्लीट कर लिया था, और वो बैठा हुआ था, वो अपना फ़ोन देख रहा था, चेक कर रहा था। तभी एक कॉल आता है, ये एक ग्रुप कॉल था ओके। वो कॉल उठाता है वांग जी, तो उसमें सारे उसके दोस्त बोल रहे थे कि तुम कितने दिन से बिजी हो, तुम हम लोग को दिख भी नहीं रहे हो, हम लोग को टाइम भी नहीं दिखा दे रहे हो, जब से कॉलेज ख़त्म हुआ है हम लोग ढंग से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। तो वांग जी भी बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हो, हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, तो चलो मिलते हैं। वेन चाओ बोलता है कि चलो मिलते हैं हम लोग कहीं। तो वांग जी भी बोलता है ठीक है चलो मिलते हैं। फिर इस तरफ से सभी मतलब वांग जी के जितने भी दोस्त थे, वेन चाओ, वेन सू, मिंग्याओ, सुसे, ये सभी दोस्त थे वांग जी के तो कॉलेज टाइम के, तो वो सभी मतलब चले जाते हैं वांग जी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट, मतलब एक हाँ एक रेस्टोरेंट में वो लोग जाते हैं मिलने के लिए। जब वो रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं वहाँ पे वो लोग बुकिंग करवा के रखे थे, तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं बैठते हैं। वांग जी भी इतने दिनों के बाद अपने दोस्तों से मिल के काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। सारे दोस्त उसको टीज़ कर रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारे अल्फा के साथ, कैसा दिन जा रहा है, क्या तुम्हारा अल्फा तुम्हें पसंद करता है या नहीं करता है, मतलब उसे बहुत टीज़ वीज़ कर रहे थे। साथ में अपना लंच भी करते हैं, वो सभी मिलके लंच करते हैं, लंच ऑर्डर करते हैं, फिर लंच करते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से वेन चाओ का नज़र एक दिशा में जाता है और वो ना कंफ्यूज नज़र से उसी दिशा में घूर घूर के देख रहा था। तो महंगे उससे पूछते हैं वेन चाओ क्या हुआ है, तो वेन चाओ बोलता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, एक बात बताओ वांग जी, क्या तुम्हारा हस्बैंड का कोई हमशक्ल भाई भी है क्या, मतलब कोई जुड़वा भाई। तो वांग जी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बोल के वो जूस पीने लगता है। तो फिर जो वेंचाओ है ना वो उसी दिशा में देख के बोलता है कि अरे बताओ तो सही। तो वांग जी बोलता है नहीं कोई उसका जुड़वा भाई नहीं है, उसका एक ही भाई है जिसका नाम है जियांग चैन। तो वेंचाओ बोलता है अच्छा जरा सोच के बताओ ना, क्या तुम्हारा हस्बैंड का जुड़वा भाई सच में है जो कि तुम्हारे हस्बैंड की तरह ही पैरालाइज हो। तो वांग जी ना एक चपाटा उसके सर पे मारता और बोलते क्या बकवास कर रहे हो, हाँ मैंने कहा ना अभी कि मेरे हस्बैंड का कोई भी जुड़वा भाई नहीं है, वो इकलौता है। तो वेंचाओ बोलते हैं तो फिर ये कौन है। तो वांग जी बोलते हैं कहाँ कौन है, ऐसा बोल के उधर देखता है। तो वो गौर से तो उधर देखने लगता है, तो उसको रियलाइज होता है कि वो विंग का कोई हम शक्ल नहीं बल्कि वो विंग है। ऐसा सोच के ना एक चपटा खींच के मारता है वेंचाओ को और बोलते हैं बेवकूफ़ इंसान, वो विंग का जुड़वा भाई नहीं बल्कि विंग ही है, ऐसा बोल के वो अपनी सीट से उठता है और उस तरफ जाने लगता है। तो उसके सारे दोस्त भी उसका पीछा करने लगते हैं इस तरफ। अभी हम सीन शिफ्ट करके मतलब कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जब विंग वांग लूसी से मिलने आया था तब का सीन है ये। विंग उस रेस्टोरेंट में आ गया था, रेस्टोरेंट में आने के बाद वो लूसी को देखता है वहाँ पे बैठे हुए, तो वो लूसी से पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो फिर लूसी बोलती है विंग ये सब क्या है, हाँ तुम क्या मेरा वेट नहीं कर सकते थे, हाँ हमारी एंगेजमेंट तय हुई थी, हमारी मैरिज तय हुई थी, हमारे पेरेंट्स ने किया था मैरिज तय, तो तुम ऐसे कैसे हमारी मैरिज तोड़ सकते हो, हाँ वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा, ऐसे वो बोल रही थी। तो ना विंग को ना अजीब लगता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि विंग के पेरेंट्स का डेथ हो गया है लेकिन लूसी को क्यों नहीं पता है। तो वो ना उसको घूर घूर के देख रहा था। तो लूसी ना थोड़ा सा मतलब घबरा जाती है और वो बोलती क्या हुआ है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। तो फिर विंग बोलता है
क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? जो तुम बोल रही हो कि मेरे पेरेंट्स से तुम बात करना चाहती हो, तो लूसी बोलती है, अब तुम्हारे वो पेरेंट्स से तो मुझे कहाँ से पता रहेगा कि वो कहाँ है। तो फिर ना विंग बोलता है, कितनी अजीब बात है, तुम खुद को मेरा फियांसे डिक्लेयर करती हो और साथ ही साथ तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। एनीवेज एक बात जान लो कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं अब एक मैरिड अल्फा हूँ। तो वांगलूसी बोलती है, बट तुम्हें किसी ने मार्क नहीं किया है और ना ही तुमने किसी को मार्क किया है, समझ में आया? तो विंग बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने किसी को मार्क किया है या नहीं किया है, बस वो मेरा ओमेगा है। उस दिन कल जिसे तुम ऑफिस में देखा था ना, वही मेरा ओमेगा है, ठीक है, मेरा ओमेगा पार्टनर है। तो तुम दूर रहना मेरे ओमेगा पार्टनर से और मुझसे भी, मेरे ओमेगा को पसंद नहीं कि कोई मेरे करीब भी आए। तो फिर ये दोनों के बीच में इसी तरीके से थोड़ा नोक झोंक वाली बातें हो रही थी। और अभी हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। वांग जी जो कि उस सीट के करीब पहुंच गया था और विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, विंग घूरते हुए उसे बोलता है, फिर विंग पीछे मुड़ता है और वांग जी को अपने मतलब पीछे देख के वो शॉक्ड। सो आज का पार्ट यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वांग जी क्या करेगा विंग के साथ और साथ ही साथ वांग लूसी के साथ, और उसके दोस्त क्या करेंगे उसके साथ। अब ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा किसके साथ। तो अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजाना भूलिएगा मत, ओके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का पार्ट कैसा लगा है, ओके गाइस। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय गाइस।